मीम। इस किताब का अवतरण निस्संदेह सारे जहान के रब की ओर से है क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने इसे खुद घड़ लिया है नहीं बल्कि ये सत्य है तेरे रब की ओर से ताकि तू सावधान करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई सावधान करने वाला नहीं आया शायद कि वे मार्ग पा जाएं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो उनके बीच हैं, छह दिनों में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ उसके सिवा न तुम्हारा कोई समर्थक और सहायक है और न कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला फिर क्या तुम होश में ना आओगे वो आसमान से जमीन तक दुनिया के मामलों का संचालन करता है और इस संचालन का ब्यौरा ऊपर उसके पास जाता है एक ऐसे दिन में जिसकी माप तुम्हारी गणना से एक हजार वर्ष है वही है हर छुपे और खुले का जानने वाला प्रभुत्वशाली और दयावान जो चीज भी उसने बनाई हो भी बनाई उसने इंसान के सृजन का आरंभ गारे से किया फिर उसकी नस्ल एक सच से चलाई जो तुच्छ पानी की तरह का है फिर उसको नख शिख से ठीक किया और उसके भीतर अपनी रूह फूंक दी और तुमको कान दिए आंखें दी और दिल दिए तुम लोग कम ही कृतज्ञता दिखाते हो और ये लोग कहते हैं जब हम मिट्टी में रल मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे असल बात यह है कि ये अपने रब के मिलन का इनकार करते हैं इनसे कहो मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर नियुक्त किया गया है तुमको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा और फिर तुम अपने रब की ओर पलटा लाए जाओगे काश तुम देखो वो समय जब ये अपराधी सिर झुकाए अपने रब के सामने खड़े होंगे उस समय ये कह रहे होंगे अय हमारे रब हमने खूब देख लिया और सुन लिया अब हमें वापस भेज दे ताकि हम अच्छा कर्म करें हमें अब विश्वास आ गया है जवाब में कहा जाएगा अगर हम चाहते तो पहले ही हर व्यक्ति को उसका सन्मार्ग दिखा देते मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा अतः अब चखो मजा अपनी इस करतूत का कि तुमने इस दिन के मिलन को भुला दिया हमने भी अब तुम्हें भुला दिया है चखो हमेशा के अजाब का मजा अपनी करतूतों के बदले में हमारी आयतों पर तो वे लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयतें सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और घमंड नहीं करते उनकी पीठे बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को डर और लालच के साथ पुकारते हैं और जो कुछ रोजी हमने उन्हें दी है उसमें से खर्च करते हैं फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान उनके कर्मों के बदले में उनके लिए छिपा रखा गया है उसकी किसी प्राणी को खबर नहीं है भला कहीं ये हो सकता है कि जो व्यक्ति ईमान वाला हो वो उस व्यक्ति की तरह हो जाए जो अवज्ञाकारी हो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनके लिए तो जन्नते यानी बाग रहने के ठिकाने हैं अतिथि सत्कार के रूप में उनके कर्मों के बदले में और जिन्होंने उल्लंघन किया है उनका ठिकाना दोजह है जब कभी वे उससे निकलना चाहेंगे उसी में ढकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि चखो अब उसी आग के अजाब का मजा जिसको तुम झुठलाया करते थे उस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मजा इन्हें चखाते रहेंगे शायद कि ये अपनी विद्रोह नीति से बाज आ जाएं। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा नसीहत की जाए और फिर वो उनसे मुंह फेर ले ऐसे अपराधियों से तो हम बदला लेकर रहेंगे इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके हैं अतः उसी चीज के मिलने पर तुम्हें कोई शक न होना चाहिए उस किताब को हमने इसराइल की संतान के लिए मार्गदर्शन बनाया था और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयतों पर विश्वास करते रहे तो उनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किए जो हमारे आदेश से मार्ग दिखाते थे यकीनन तेरा रब ही कयामत के दिन उन बातों का फैसला करेगा जिनमें इसराइली परस्पर विभेद करते रहे हैं और क्या इन लोगों को इन ऐतिहासिक घटनाओं में कोई मार्गदर्शन नहीं मिला कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम तबाह कर चुके हैं जिनके रहने की जगहों में आज ये चलते फिरते हैं इसमें बड़ी निशानियां हैं क्या ये सुनते नहीं हैं और क्या इन लोगों ने यह दृश्य कभी नहीं देखा कि हम एक सूखी और चटियल जमीन की ओर पानी बहा लाते हैं और फिर उसी जमीन से वो फसल उगाते हैं जिससे इनके जानवरों को भी चारा मिलता है और ये स्वयं भी खाते हैं तो क्या इन्हें कुछ नहीं सूझता ये लोग कहते हैं कि ये फैसला कब होगा अगर तुम सच्चे हो इनसे कहो फैसले के दिन ईमान लाना उन लोगों के लिए कुछ भी लाभकारी न होगा जिन्होंने इनकार किया है और फिर उनको कोई मोहलत न मिलेगी अच्छा इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और इंतजार करो ये भी इंतजार में हैं।